हेलो दोस्तों, मैं अतुल कुमार मसौती और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नित्या क्लासेस। और नित्या क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस 200 सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित पूरे दमखम के साथ। आ जाइए, जुड़ जाइए हमारे साथ और हमारे इस लाइव सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि अधिकतम संख्या में स्टूडेंट हमारे और आप सभी के साथ जुड़ सकें और ये नित्या फैमिली का परिवार बड़ा हो सके दोस्तों। तो दोस्तों, समय को बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस लाइव सेशन को एक बेहतरीन मोटिवेशनल थॉट के साथ। जे एक मोटिवेशन थॉट इसलिए रखा जाता है आपके लिए, जिससे कि आपको मोटिवेट रखा जाए और आप अपने अंदर की जो इंटरनली पावर है उसको बाहर निकालकर यूज करें और अपने टारगेट को सीधा हिट कर सकते हैं। दोस्तों, जो लोग हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए हम बता दें, सीटेट 2020 एग्जाम होने वाला है, यानी 2020 में होने वाला जो सीटेट एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ 200 क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए तैयार की है, जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और एक बात और बता दूं आपको, इससे पहले मैं अपनी 500 क्वेश्चंस की सीरीज को कंप्लीट कर चुका हूं, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था। दोस्तों, मैंने टॉप 200 एमसीक्यूज की बात कर रहा हूं इंग्लिश पेडागोजी फॉर सीटेट 2020 के लिए, ठीक है। और बाकी सारी डिटेल इस पर लिखी हुई है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर और पीडीएफ चाहते हैं तो इस नंबर पर आप कर सकते हैं, मेरे द्वारा ही पीडीएफ तैयार की गई है। आज के मोटिवेशन थॉट की ओर रुख करते हैं, देखते हैं आज का हमारा मोटिवेशन थॉट क्या है और क्या बताने का प्रयास करेगा आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, आज का हमारा मोटिवेशन थॉट है, यदि आप उड़ नहीं सकते देन रन, तो दौड़ो। बात समझिएगा कि अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, इफ यू कांट रन, यार आप दौड़ भी नहीं सकते, देन वॉक, तो फिर चलो। तीसरी बात क्या कही हुई है, इफ यू कांट वॉक, यदि आप चल भी नहीं सकते, देन क्राउल, यानी आप फिर रेंगो, लेकिन चलते रहना है दोस्तों, रुकना नहीं है। अगर आप रुक गए तो आपकी जिंदगी थम सी चली जाएगी और आप उस उद्देश्य को पाने में, उस मंजिल को पाने में उससे बहुत दूरी हो जाएगी, आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये मोटिवेशनल थॉट किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों, मार्टिन लूथर किंग के द्वारा दिया गया है, जो कि बहुत अच्छे फिलोसोफर रहे हैं, बहुत अच्छे दार्शनिक रहे हैं। इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से लोगों को समझाने का काम किया है और इनको, इनका एक अपना फेम है, इनकी एक प्रसिद्धि है, ठीक है। दोस्तों, चलते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं पूरी रणनीति के साथ। देखिएगा, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्प्लेड ऑन योर फोन। देखिएगा, डायलेक्सिया इज एसोसिएटेड मेनली विद द डिफिकल्टीज इन, जो डायलेक्सिया है वो किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिएगा, आपके पास समय की कमी है और बहुत स्पीड के साथ हम लोग इस सेशन को डिस्कस करने वाले हैं, बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बढ़िया। देखिएगा, ऑप्शन आपके सामने हैं, देयर आर 4 ऑप्शन आर अवेलेबल फॉर यू, रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग और राइटिंग। यानी चार ऑप्शन, देयर आर 4 ऑप्शन आर अवेलेबल फॉर यू एंड यू विल हैव टू गिव द वन आंसर फ्रॉम दैम। इन में से आपको चार में से एक ऑप्शन चुनना है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर दे रहे हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस तरीके से पूरे जोश कर उसके साथ हमसे जुड़ने के लिए। तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहेगा दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका ये आभार मैं उम्र भर तक नहीं भूलूंगा दोस्तों। चलिएगा, चलते हैं दोस्तों इसके राइट आंसर की ओर। राइट आंसर क्या है, आपने सुना होगा दोस्तों, डायलेक्सिया। क्या है डायलेक्सिया? डायलेक्सिक बीमारी का नाम है, इट्स डिसीज। क्या है? एक बीमारी है। और बीमारी, अब मैंने बताया कि इंग्लिश पैडागोजी के अंदर या रीडिंग के, कुछ रीडिंग से संबंधित बीमारियाँ होती हैं, कुछ लिखने से संबंधित बीमारियाँ होती हैं, राइटिंग से संबंधित कुछ, लिसनिंग से संबंधित बीमारियाँ होती हैं, जो कि मैं इंग्लिश पैडागोजी में डिस्कस करूंगा और जिनको सीटेट एग्जाम ने बहुत बार पूछा है। चलते हैं दोस्तों उसके राइट आंसर की ओर। राइट आंसर हमारा रीडिंग। और रीडिंग क्यों है? चूंकि जो डायलेक्सिया है वो रीडिंग से संबंधित है। अब रीडिंग से संबंधित क्यों है, इससे संबंधित कुछ चीज़ें मैं जान देख लेते हैं, अभी समझने का प्रयास करें दोस्तों। सपोज दैट कोई बच्चा है, उसके सामने लिखा हुआ है बी। क्या लिखा हुआ दोस्तों? बी लिखा हुआ है, लेकिन वो बी को क्या पढ़ रहा है? बी पढ़ रहा है। बी को बी ना पढ़कर क्या पढ़ रहा है दोस्तों? डी पढ़ रहा है। इट मीन्स यहाँ उसकी कौन सी समस्या आपके सामने आ रही है? उसकी रीडिंग स्किल कमज़ोर है, यानी उसको इरिवर्सिबिलिटी उसके अंतर्गत देखी जाती है, जो आपको बताऊंगा जिन प्यांजे के सिद्धांत के माध्यम से, कि कौन सी स्टेज में ऐसी समस्या बच्चों को आती है और एक बीमारी का भी कारण हो सकती है, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से फटाफट आंसर दीजिएगा, मैं इंतजार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग यू एंड योर आंसर, जल्दी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लैंग्वेज द स्टडी ऑफ, लैंग्वेज क्या है? स्टडी है, किस चीज़ का अध्ययन है, भाषा किस बात का अध्ययन है, ये आपको बताना है। फोर ऑप्शन आर अवेलेबल फॉर यू, डायरेक्ट मेथड,
ग्रामर, ट्रांसलेशन मेथड, साउंड मेथड या ह्यूमन लैंग्वेज? जल्दी से, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग आंसर कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिएगा, चलिए दोस्तों, समय का बर्बाद न करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। आपका हमारा बिल्कुल समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन लैंग्वेज दोस्तों, आंसर है हमारा ह्यूमन लैंग्वेज। लैंग्वेज इज द स्टडी ऑफ, लैंग्वेज किस बात की स्टडी है? भाषा, किस भाषा में अध्ययन जो किया जाता है वो किस चीज़ का किया जाता है? जो मानव है, जो ह्यूमन है, जो मानव है, उसकी जो भाषा है उसके लैंग्वेज का हम स्टडी करते हैं। समझ में बात आ रही है, नहीं आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी, क्यों नहीं आएगी भाई। इतने अच्छे तरीके से हम लोग आपके सामने डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोग समझ रहे हो पूरे फुल कॉन्शियसनेस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल स्टूडेंट। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी। व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल? कौन सी ऐसी प्रोडक्टिव स्किल हैं जो इस जो चार ऑप्शन में दी गई हैं, ये आपको बताना है। देयर आर फोर ऑप्शन आर अवेलेबल फॉर यू। चार ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हैं। बहुत ही खूबसूरत ऑप्शन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ। ये ऐसे मानो कि जैसे ही आप सीटेट एग्जाम 2020 देने के लिए जाएंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं एज इट इज रखे मिलने वाले हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो बिल्कुल देखें अंत तक। जितने भी क्वेश्चन होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, बिल्कुल प्रीवियस एग्जामिनेशन बेस्ड होंगे और उन्हीं से कहीं ना कहीं उठाए हुए हैं, जिनको बहुत बार पूछा हुआ है। चलिए दोस्तों, देखिए, व्हाट आर द टू प्रोडक्टिव स्किल क्या है? लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। रीडिंग और राइटिंग और लिसनिंग एंड स्पीकिंग। आइए दोस्तों समझते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देकर आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आप भविष्य में इसको लॉन्ग टाइम तक अपने माइंड में स्टोर कर पाओ। देखिएगा, लिसनिंग और रीडिंग क्या दोस्तों? लिसनिंग और रीडिंग, देखो, सुनना और पढ़ना, क्या दोनों प्रोडक्टिव स्किल है? क्या दोनों प्रोडक्टिव स्किल है या नहीं है? नहीं है दोस्तों, इट इज रोंग आंसर। क्यों है रोंग आंसर, इस बात को भी समझने का प्रयास करें। रोंग आंसर इस वजह से है क्योंकि सुनना, कौन सा दोस्तों? सुनना, जब कोई व्यक्ति सुनता है तो कोई प्रोडक्शन नहीं देता बल्कि रिसीव करता है नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, तो वो रिसेप्चुअल स्किल होती है। रीडिंग करते से भी बच्चा ज्ञान की प्राप्ति करता है, बोध की प्राप्ति करता है, ज्ञान की प्राप्ति करता है, नॉलेज की प्राप्ति करता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। नंबर टू की बात करें, स्पीकिंग एंड राइटिंग, देखिएगा, स्पीकिंग आ गया बोलना, एंड राइटिंग और लिखना, जब आप अपनी बात को बता रहे हैं, बोल रहे हैं, तो कोई ना कोई बात प्रोडक्ट हो रही है, उत्पादित हो रही है, बाहर निकल रही है, आपके मुख से दूसरे तक पहुंच रही है दोस्तों। तो इसमें स्पीकिंग वाकई में प्रोडक्टिव स्किल है। आइए देखते हैं सेकंड स्किल है नहीं है। बात करते हैं राइटिंग की, तो राइटिंग क्या, राइटिंग स्किल हमारी कोई प्रोडक्टिव स्किल है? बिल्कुल सर, बिल्कुल स्किल है, प्रोडक्टिव स्किल। क्यों है, समझिएगा इस बात को। जब कोई लेखक एक कविता का निर्माण करता है, पोएम का निर्माण करता है, कोई भी पोएम हो, शेरो शायरी हो, या गज़ल हो, सॉन्ग हो, कुछ भी अगर वो लिखता है, तो कहीं ना कहीं उसके द्वारा वो बनाई हुई चीज़ होती है प्रोडक्टिव। तो दोस्तों ये तो है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। रीडिंग और राइटिंग, इसमें रीडिंग आ गया, पढ़ना ये तो भैया रिसेप्चुअल इसके लिए ये नहीं हो सकता, लिसनिंग इसमें भी रिसेप्चुअल इसके लिए ये नहीं हो सकता। दोस्तों मेरे अनुसार आंसर होना चाहिए सेकंड ऑप्शन। और आप चलते हैं कंप्यूटर महाशय की ओर, देखते हैं कंप्यूटर महाशय इसका उत्तर क्या देता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, आप और हम दोनों बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा होगा, और पसंद आ रहा हो तो दोस्तों लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलें, चले दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 44 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी जल्दी हम बढ़ रहे हैं अपने टारगेट की ओर, और आप लोग बढ़ रहे हैं उस एग्जाम की ओर जिस एग्जाम का आपको बेसब्री से इंतजार है, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई, अभी आई नहीं है, आने वाली है दोस्तों, इंतजार करते रहिएगा। देखिए, इन वाइगोस्कीज थ्योरी, जो वाइगोस्की हैं, जो एक फिलोसोफर भी हैं और अपने साइकोलॉजिस्ट भी हैं, उन्होंने एक थ्योरी दी है, क्या, विच एस्पेक्ट ऑफ अ डेवलपमेंट इज इग्नोर्ड। उन्होंने अपनी थ्योरी के अंतर्गत किस एस्पेक्ट को इग्नोर किया है, अनदेखा किया है, ये बात आपको बतानी है। जल्दी बताएं भाई, एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट इज इग्नोर्ड। सोशल, क्या उन्होंने सामाजिकता को इग्नोर किया है? जल्दी बताएं, कल्चरल, बायोलॉजिकल या लिंग्विस्टिक। दोस्तों जब बात करते हैं वाइगोत्स्की की, तो वाइगोत्स्की जुड़ जाते हैं हमारे किससे, सोशल से, तो सोशलाइजेशन तो हो नहीं सकता, यानी सोशल वाला तो गलत हो नहीं सकता, ये बिल्कुल ये उन्होंने दिया है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कल्चर की बात वो करते हैं, ये भी दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। लिंग्विस्टिक, भाषा का विकास की तो बात कर ही रहे हैं सभी लोग, तो भाषा की कोई बात नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन बायोलॉजिकल की बात उन्होंने नहीं करी है, बायोलॉजिकल की बात उन्होंने नहीं करी है। आइए अब देख लेते हैं कंप्यूटर महाशय क्या हमारे
ऑप्शन को काट पाएगा, क्या एग्जामिनर तुम्हारे दिए हुए आंसर को गलत कर पाएगा या नहीं। चलते हैं दोस्तों हमारे कंप्यूटर मास्टर की ओर। यही बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऐसा भी आपके लिए होगा। जब आप एग्जाम देकर बाहर निकलोगे तो आपके चेहरे पर एक स्माइल होगी, एक मुस्कुराहट होगी, जो आपके सफलता को बताएगी कि हाँ वाकई सफलता अब आपके हाथ लगने वाली है और आप भविष्य के टीचर बनने वाले हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों रुक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। जल्दी से बताएगा, हु डेवलप्ड द फर्स्ट इंटेलिजेंसी टेस्ट, सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण किसने किया, ये बात आपको बतानी है। यानी सबसे पहले बुद्धि क्या है, इस बात को परीक्षण करने वाले कौन व्यक्ति थे। देयर आर फोर ऑप्शन आर अवेलेबल फॉर यू। जल्दी बताएं, डेविड वेक्सलर, अल्फ्रेड बिने, या चार्लिस एडवर्ड स्पेयरमैन, या रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका अंदर आंसर, जल्दी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। आई एम वेरी हैप्पी आफ्टर सी योर कमेंट इन द लाइव चैट बॉक्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जितने भी स्टूडेंट हमसे जुड़े हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेज फॉर दोज स्टूडेंट हु आर वॉचिंग दिस लाइव सेशन। अगर सेशन ही पसंद आ रहा हो दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। एक छोटा सा, एक चुटकी भर काम आपको मेरे लिए करना है, एक छोटा सा थंब इंप्रेशन करना है हमारे वीडियो को लाइक करने के लिए। एक छोटा सा काम कर देना है, आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, आप और भी जो भी अकाउंट आप चलाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप जो भी आप चलाते हैं, उस पर आप शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। इतना तो आप काम कर सकते हैं, सामाजिकता आपके अंदर होगी दोस्तों। भला करने वाले का भला होता है, ऐसा कहा जाता है, कर भला तो हो भला। चलिए दोस्तों चलते हैं इसके राइट आंसर की ओर। राइट आंसर है हमारा अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण किया था कि बुद्धि होती क्या है और ये बुद्धि किस तरीके से काम करती है और बुद्धि की का स्कोप क्या है, सबसे पहले बताने काम किया था अल्फ्रेड बिने ने। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आई होप कि आप इस क्वेश्चन का आंसर भी इतनी ही ईमानदारी से, जिस ईमानदारी से आपने पिछले क्वेश्चन का आंसर दिया, इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग आंसर करने वाले हैं बड़ी ही खूबसूरती के साथ। तो दोस्तों आंसर दीजिएगा जल्दी से। अ टीचर गैदर्स एंड स्टडीज क्लासरूम वर्क, देन प्लान्स एंड एडजस्ट द नेक्स्ट लेसन टू द मीट स्टूडेंट नीड्स, ही और सी सी इज डूइंग। वो क्या कर रहा है, जल्दी से आंसर दें, क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाफट आंसर दें। दे आर फोर ऑप्शन आर अवेलेबल, चार ऑप्शन, चार विकल्प आपके सामने अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं। बहुत ही खूबसूरती के साथ आप लोग आंसर कर पा रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है, और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ईमानदारी से पढ़ पा रहे हैं। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छी तरीके से, जल्दी से आंसर दें। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सभी के कमेंट आ रहे हैं, लेकिन कमेंट में अभी मैं ध्यान नहीं दूंगा। बहुत स्पीडली टेस्ट आपका चल रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही 500 क्वेश्चंस की सीरीज करा चुका हूँ, जिससे मैं आपसे रूबरू हो चुका था और हमने आपकी बातों को सुना था और आपने हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुना था। लेकिन यहाँ आप थोड़ा सा कॉपरेट करें हमारे लिए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वान्टिटी क्वेश्चन की बढ़ा सकें, आप लोगों के लिए अधिक से अधिक क्वेश्चन ला सकें बिफोर द सीटेट एग्जाम फॉर सीटेट 2020 के सीटेट एग्जाम से पहले वो सारे खजाना जो हमारे पास है, जो हमारे मस्तिष्क में है, जो हमारे दिमाग में चल रहा है, जो हमने अब तक गेन किया है अपने सी टेट, जो बी एड के दौरान, सी टेट क्वालिफाई के दौरान, यूपी टेट क्वालिफाई के दौरान, या जो भी हमने एग्जाम क्वालिफाई करे हैं, उसका ज्ञान आप तक पहुंचा सकें, यही हमारी ध्येय है, यही हमारा उद्देश्य है दोस्तों। चलते हैं अपने इसके राइट आंसर की ओर। राइट आंसर है हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग। समझिएगा दोस्तों क्यों है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन भी देना जरूरी है। देखिए, अ टीचर गैदर्स, इकट्ठा करता है, एंड स्टडी द क्लासरूम वर्क, क्लासरूम की वर्क का जो स्टडी करता है, क्यों, देन प्लान्स, और वो फिर योजना बनाता है, एंड एडजस्ट द नेक्स्ट लेसन, और फिर नेक्स्ट लेसन को एडजस्ट करता है, ठीक है, नेक्स्ट लेसन टू मीट द स्टूडेंट्स नीड, बच्चों की जरूरतों के अनुसार। ही और सी, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, जेंट्स फीमेल, मेल और फीमेल कुछ भी हो सकता है। ही इज डूइंग, वो क्या कर रहा है, ये बात आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि वो क्या कर रहा है, ये बात महत्वपूर्ण आपके लिए जाननी। तो वो कर रहा है असेसमेंट फॉर लर्निंग, वो कैसे उसको पढ़ाना है, ये बात करना है उसके लिए कि वो बोले अवलोकन कर रहा है बच्चों का, ठीक है। इट इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 46, यानी 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर यही है। आइए रुक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी। आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर का इंतजार मुझे बेसब्री से है। आई एम वेटिंग फॉर योर राइट आंसर, एंड यू आर गिविंग द राइट आंसर विद ऑनेस्टी।
आप लोग ईमानदारी से आंसर करने वाले हो, ऐसा मुझे मानना है, और ऐसा ही मैं उम्मीद करके आप लोगों से जुड़ने का प्रयास करता हूँ रोज की तरह, हमेशा की तरह। दोस्तों मेरी क्लास हमेशा शाम को 6 PM होती है नित्या क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो आप हमेशा हमसे जुड़े रहिएगा। और उसके बाद अगर आपको जो भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ वीडियो सोल्यूशन के साथ साथ आपको PDF फॉर्म में भी मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो आपको बता दूँ, जैसे आप वीडियो हमारी देख रहे हैं इसमें इसका जो नीचे डिस्क्रिप्शन डला हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डला हुआ है, आप उसको ओपन करें, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और मजा लें, लूटे वीडियो और PDF का मजा, और आसान तरीके से बनाएं अपने जीवन की कामयाबी को। चलिए दोस्तों क्या है क्वेश्चन, डिडक्टिव रीजनिंग इंक्लूडेड। जो डिडक्टिव रीजनिंग है वो किस बात का तर्क है, जल्दी से बताइएगा किस बात को इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड बताइए। रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेशल, यानी सामान्य से विशेष की ओर चला जाता है इसमें, या आर्ग्यूमेंट फ्रॉम स्पेशल टू जनरल, या एक्टिव क्रिएशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, या नंबर फोर्थ की बात करते हैं तो मेथड ऑफ इंक्वायरी एंड लॉरिस्टिक्स। जल्दी से बताइए दोस्तों, आप लोगों के आंसर मोस्ट प्रोबेबली आ गए हैं, तो चलते हैं दोस्तों राइट आंसर की ओर। राइट आंसर हमारा रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेशल। दोस्तों जब हम बात करते हैं डिडक्टिव रीजनिंग की, तो डिडक्टिव रीजनिंग और इंडक्टिव रीजनिंग दोनों में अंतर आपको समझा देता हूँ, जिससे हालांकि मैं लैंग्वेज टीचिंग के माध्यम से भी आपको समझाऊंगा, लेकिन उसके बाद देखिएगा। एक होती है इंडक्टिव और एक होती है डिडक्टिव। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, दोनों में डिफरेंस क्या है। जब हम डिडक्टिव मेथड की बात करते हैं तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, सबसे पहले वो सामान्य बातें हमें जाननी होती हैं जिनको लेकर हम आगे की बुनियाद रख सकते हैं, उस महल को खड़ा कर सकते हैं जो आप बनाना चाहते हैं, उस समस्या का समाधान कर सकते हैं जो आपके सामने आने वाली है। लेकिन जब बात करते हैं दोस्तों हम इंडक्टिव मेथड की, तो उसमें सबसे पहले समस्या को देखते हैं, उसके बाद समाधान की ओर चलते हैं, यानी विशेष से सामान्य की ओर चलते हैं इंडक्टिव मेथड में। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप इस छोटी सी एक्सप्लेनेशन के माध्यम से इस लाइव सेशन में हमारी बात को समझ पाए होंगे। मुझे पूरा नहीं बल्कि पूरा पूरा विश्वास है, पूरे से भी ज़्यादा विश्वास है आप लोगों के साथ जुड़ने के बाद। चलेगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर जल्दी। एजुकेशन ऑफ ऑल इन द स्कूल फॉर ऑल कैन बी अ टैगलाइन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो टैगलाइन बनी है किसके लिए, यानी एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा इन द स्कूल, स्कूल में सब पढ़ो सब बढ़ो, ये हिंदी में जो आपने लिखा देगा इस पेंसिल पे दो बच्चे बैठे हुए होते हैं, आपने प्राइमरी स्कूल के बाहर एक पेंटिंग बनी देखी होगी, वो नटराज की पेंसिल पे दो बच्चे बैठे हुए और उसके ऊपर लिखा होता है सब पढ़ो सब बढ़ो, सर्व शिक्षा अभियान, सबका साथ सबका विकास, मोदी जी का ये टैगलाइन भी इसमें काम करती है। तो बताइए दोस्तों चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, जल्दी। यूनाइटेड एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, कोऑपरेटिव एजुकेशन, या स्पेशल एजुकेशन, बताइए जल्दी क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। मुझे उम्मीद है आप लोगों का आंसर जल्दी से कर पा रहे होंगे, बढ़िया बढ़िया बहुत अच्छे तरीके से। चलिए दोस्तों चलते इसके राइट आंसर की ओर, हमारा राइट आंसर है इंक्लूसिव एजुकेशन। अब क्यों है इंक्लूसिव एजुकेशन, इस बात को भी जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्यों, अगर हम ये बात नहीं जान पाए कि ये ही क्यों ज़रूरी है, तो आप लोगों को जो आपकी कंसेप्चुअल अप्रोच है, जो आपकी क्रिएटिविटी वाली सोच है, वो कैसे मैं पता कर पाऊंगा। दोस्तों देखिए इंक्लूसिव का मतलब होता है इंक्लूड करना, क्या करना होता है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान को इंक्लूड करना। हम कहते हैं कि हम जो कमज़ोर बच्चा उसको भी इंक्लूड करो, जो अमीर है गरीब है सबको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई जो भी हैं सबको इंक्लूड करो, सबके बच्चों को पढ़ाओ, सब पढ़ें और सब बढ़ें, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए। समावेशी शिक्षा की बात की जाती है किसके द्वारा दोस्तों, 48 नंबर क्वेश्चन के द्वारा, यानी एजुकेशन फॉर ऑल इन द स्कूल। चलिए दोस्तों रुक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर जल्दी। डिफिकल्टी मेमोराइजिंग द सीक्वेंस ऑफ लेटर्स इन वर्ड्स एंड इज एसोसिएटेड विद द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ विजुअल मेमोरी। दोबारा ध्यान दें दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफिकल्टी मेमोराइजिंग, जो कठिनाई है मेमोराइजिंग याद करने में, द सीक्वेंस ऑफ लेटर्स, लेटर्स किस सीक्वेंस में के एक के बाद कौन सा आएगा, कौन से के बाद कौन सा आएगा, ये बात समझने की होती है इन वर्ड्स शब्दों में, इन एसोसिएटेड विद, वो किस चीज़ से रिलेटेड है, फ्रिक्वेंटली लॉस ऑफ विजुअल मेमोरी, बताइए डायलेक्सिया या कैलकुलिया या डिस्ग्राफिया या डायस्प्रेक्सिया, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर जल्दी। दे आर फोर ऑप्शन आर अवेलेबल फॉर यू, एंड फोर ऑप्शन जितने भी हैं वो सारे के सारे डिसीज के नाम हैं, आपने कौन से डिसीज को चुनना है जल्दी से आंसर बताएं।
चले दोस्तों चलते हैं इसके राइट आंसर की ओर। राइट आंसर है हमारा डायलेक्सिया, यानी जब बच्चा विजुअलाइजेशन की बात करता है, देखने की बात करता है, तो बात आती है पढ़ने की, यानी उसे कहीं ना कहीं पढ़ने में दिक्कत आ रही है, सीक्वेंस में दिक्कत आ रही है, तो वो होता है आपका डायलेक्सिया। चलें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 50 क्वेश्चन इज डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन। जल्दी से आंसर दे भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 50। बहुत तेजी के साथ, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस रेफर्स टू द एबिलिटी, जो फोनोलॉजिकल अप्रोच होती है, जो एबिलिटी होती है, वो अवेयरनेस होती है, जो जागरूकता होती है, वो किस बात को दर्शाती है, रेफर्स टू द एबिलिटी, वो किस योग्यता को दर्शाती है, रिफ्लेक्ट्स एंड द मैनिपुलेट्स द साउंड स्ट्रक्चर, या स्पीक फ्लुएंटली एंड एक्यूरेटली, या नोइंग द अंडरस्टैंडिंग एंड राइटिंग द प्रोफिशिएंसी इन द ग्रामर। जल्दी से आंसर दे फटाफट दोस्तों, क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से आंसर करें दोस्तों, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 50। जल्दी, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों। क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं, आंसर आने से पहले ही आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब हम बात करते हैं फोनोलॉजिकल, किसकी बात करते हैं दोस्तों, फोनोलॉजिकल की जो बात करते हैं, तो फोनोलॉजिकल में क्या होता है, फोन का मतलब होता है दोस्तों साउंड से, फोन का मतलब क्या होता है दोस्तों, साउंड से लगा जाता है, साउंड से लगाया जाता है फोनोलॉजिकल का मतलब, और साउंड कौन से में है, साउंड की बात की जा रही है हमारी नंबर फर्स्ट में, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी और एंड यू। अब बात करते हैं कंप्यूटर मास्टर क्या कहते हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, पहला ही क्वेश्चन हमारा, पहला मतलब क्वेश्चन नंबर 50 का पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए दोस्तों रुक करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही रहा, जल्दी से बताइए क्या होगा हमारा राइट आंसर इसका। अ चाइल्ड्स नोटबुक शोज एरर्स इन राइटिंग, रिवर्स इमेज, मिरर इमेजिंग एटसेट्रा, सच ए चाइल्ड इज इंडिकेटिंग। वो किस प्रकार की संकेत दे रहा है बच्चा, इस बात को आपको पहचानना है, बताएं दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर जल्दी। एक बच्चा है नोटबुक शो जो दर्शाता है एरर्स इन राइट रिवर्स, मतलब वो एक बच्चा जो अपनी नोटबुक में दर्शाता है गलती करता है, जो रिवर्सिबिलिटी की गलती है, इमेज उल्टी दिख रही है उसको, लॉस ऑफ लर्निंग है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, या लर्निंग डिफिकल्टी है, या लर्निंग प्रॉब्लम है, जल्दी बताएं जल्दी, वो किस प्रकार की समस्या से जूझ रहा है। चलिए दोस्तों चलते हैं इसके राइट आंसर की ओर, राइट आंसर है हमारा लॉस ऑफ लर्निंग, लॉस ऑफ लर्निंग नहीं है दोस्तों, यहां पर कंप्यूटर मास्टर हमारे बात को काटने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन गलत नहीं करने देंगे, यह लर्निंग डिसेबिलिटी, वो बच्चा क्या कर रहा है, पढ़ने में गलती है उसकी, ये आंसर गलत है, ये भी गलत है और ये वाला भी गलत है, नंबर सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर जल्दी। टीचर्स यानी अध्यापक टू हेल्प लर्नर्स, शिक्षार्थियों की सहायता करते हैं, बिल्ड नॉलेज उनकी ज्ञान को बढ़ाने के लिए, नीड टू बी फोकस ऑन देम, किस बात को फोकस करने के लिए, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर जल्दी। इंश्योरिंग दैट द लर्नर्स रिमेंबर्स एवरीथिंग्स, इंश्योरिंग वो इंश्योर है दैट द लर्नर्स रिमेंबरिंग एवरीथिंग, वो सब चीज़ याद कर रहे हैं, पॉइंट्स ऑब्टेनिंग बाय द लर्नर्स, या इन्वॉल्विंग द लर्नर्स फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन, या मास्टरिंग द लर्नर्स ऑफ द कॉन्सेप्ट बाय द लर्नर्स, जल्दी से बताएं दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। क्या बात, बहुत बढ़िया, चलेगा भाई चलते हैं दोस्तों इसके राइट आंसर की ओर, राइट आंसर क्या पूछ रहा है इसमें, किस बात पे फोकस करना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग जो फोकस करना चाहिए, बच्चों को पार्टिसिपेट कराए, बच्चों को एक्टिव रखे और एक्टिव पार्टिसिपेशन में भाग लगाए, बच्चों को सक्रिय रखे, और यही इसका राइट आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर है बिल्कुल भाई। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड आंसर इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 52। चलेगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर भी अच्छे से समझ में आने वाला है, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू प्याजेस थ्योरी, मतलब प्याजे की थ्योरी के अनुसार, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट अ पर्सन्स कोग्निटिव डेवलपमेंट, कौन सा कोग्निटिव डेवलपमेंट को अफेक्ट नहीं करता है, वन लैंग्वेज, सोशल एक्सपीरियंस, मैच्योरिटी, या एक्टिविटी, जल्दी जल्दी से आंसर करें भाई। ठीक ठीक बहुत बढ़िया, वेरी गुड, चलेगा दोस्तों चलते हैं इसके राइट आंसर की ओर, और राइट आंसर से पहले मैं स्किप पे थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा, डिस्कस इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि क्वेश्चंस को लेकर जब कभी कॉन्ट्राडिक्शन वाली स्थिति बन जाती है, मतभेद वाली स्थिति बन जाती है, डायलेमा बन जाता है, मतलब दोनों के बीच में यही भी हो सकता है,
ये भी हो सकता है, यानी जो हमारी न्याय की तराजू है वो कहीं ना कहीं लटकती नजर आती है। जो बहुत से बातें हैं कि ये वन लैंग्वेज होता है कि एक भाषा कभी भी उसको अफेक्ट नहीं करती, और दूसरे बताते हैं मैच्योरिटी, जो मैच्योरिटी है वो मतलब इसको अफेक्ट नहीं करती। तो कभी कभी स्टेट में इसको ठीक माना हुआ है, कभी कभी इसको ठीक माना हुआ है। तो देख लेता हूँ कंप्यूटर मास्टर ने कौन से को ठीक माना है दोस्तों। चलिए इन्होंने माना है मैच्योरिटी, चूँकि मैच्योरिटी को ज़्यादा वोट मिले होंगे तो ऐसा इन्होंने माना है। लेकिन सर वन लैंग्वेज भी आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, द टीचर ऑब्जर्व दैट द पुष्पा कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम। टीचर ने ऐसा ऑब्जर्व किया, ऐसा महसूस किया दैट कि द पुष्पा कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम, पुष्पा प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती है ऑन हर ओवन, अपने आप मतलब खुद सॉल्व नहीं कर सकती है। हाउएवर जबकि सी डज सो अंडर द गाइडेंस ऑफ एन एडल्ट और अ पीर, दिस गाइडेंस इज कॉल्ड, मतलब जबकि वो अगर किसी सहपाठी के द्वारा या किसी सहोदय के द्वारा या किसी बड़े के द्वारा उसको उसके मार्गदर्शन में उस काम को कर सकती है, तो इस प्रकार की जो सहायता दी जाती है किसी बच्चे को वो क्या कहलाती है। ये आंसर आपको करना है, आपके सामने ऑप्शन अवेलेबल है, जल्दी से आंसर देंगे क्या होगा इसका राइट आंसर जल्दी। ऐसे ही खूबसूरत क्वेश्चंस के लिए, ऐसे ही खूबसूरत एक्सप्लेनेशन के लिए, पीडीएफ फॉर्म विद आंसर की के लिए हमारे साथ जुड़े रहेगा, वीडियो देखते रहेगा, शाम को 6 बजे आपके साथ जुड़े रहेंगे। ऐसे ही हमेशा की तरह आपको सफल बनाने में हमारा पूरा योगदान रहेगा, हमारी पूरी टीम आपके लिए फुल डेडिकेशन के साथ लगी हुई है, हमारे साथ लगे रहिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों का भला बिल्कुल होगा, आप लोगों का पक्का सिलेक्शन होने वाला है हमारी ओर से। चलेगा दोस्तों, चलते हैं इसके राइट आंसर की ओर। राइट आंसर होता है इसका फोल्डिंग। इसका फोल्डिंग का मतलब होता है टेम्परेरी सपोर्ट। टेम्परेरी सपोर्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे ही कोई बच्चा साइकिल चला रहा है, क्या कर रहा है दोस्तों, साइकिल चला रहा है, तो उस साइकिल वो अकेला नहीं चला सकता, चाचा ताऊ भाई भतीजे जो उसको चलवाना चाहें थोड़ा बहुत हेल्प उसकी हेल्प करके उसको आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। उसके बाद वो बच्चा खुद साइकिल को राइड कर सकता है, चला सकता है। तो इस प्रकार की जो टेम्परेरी हेल्प दी जाती है उसको बोलते हैं इसका फोल्डिंग, और यही इसका राइट आंसर था। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी एन इफेक्टिव टीचर। ये बहुत ज़रूरी है एक इफेक्टिव टीचर के लिए, टू इंसिस्ट ऑन द आंसर डिटरमाइंड फ्रॉम द बुक, या फोकस ऑन इंडिविजुअली लर्निंग रेदर दैन द ग्रुप एक्टिविटी, या अवॉइड इंटरप्रिटेशंस ड्यू टू क्वेश्चंस बाय द स्टूडेंट्स, या स्टे इन टच विद इच चाइल्ड। जल्दी से आंसर दें, जैसे कि आप लोग आंसर दे पा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, आप लोग आंसर कर पा रहे हैं कि सभी लोग हमसे जुड़े हुए हैं, बहुत ही प्यारे स्टूडेंट हमें मिले हैं, धन्य हो गए हम तो आपको पाकर। चलेगा, राइट आंसर है दोस्तों हमारा स्टे इन टच विद इच चाइल्ड। क्यों है राइट आंसर समझने का प्रयास करें। आप लोग भविष्य में टीचर बनने जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू बी अ टीचर इन अ फ्यूचर टाइम इन अ प्राइमरी और ए जूनियर स्कूल आफ्टर कंप्लीटिंग द सीटेड एग्जाम, आफ्टर क्वालिफाइड द सीटेड एग्जाम एंड यू आर अ टीचर, आप एक टीचर हो, बीइंग अ टीचर तुम्हें सोचना पड़ेगा, यू विल हैव टू थिंक दैट अगर आप अच्छा पढ़ाना चाहते हैं तो आपको इस टर्न टच, आपको बच्चे के टच में रहना पड़ेगा विद इच चाइल्ड, प्रत्येक बच्चे के। अगर आप पढ़ा रहे हैं और आपकी क्लास में एक भी बच्चा अगर बाहर की साइड देख रहा है, आपकी क्लास में आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं और बच्चा देख रहा है कि गली में कौन गुजर रहा है, बाहर चिड़िया क्या कर रही है, बंदर क्या कर रहा है, मंकी क्या कर रहा है, इस प्रकार की एक्टिविटी को बाहर ध्यान दे रहा है, आपकी बातों पर नहीं ध्यान दे रहा है दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आपकी भी कमी है, आपकी खिंचाई होनी चाहिए। फिर कहीं ना कहीं आपने उन प्रिंसिपल्स को, उन टीचिंग प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर रहे जो आपको बीएड के दौरान, आपको सीटेट की तैयारी के दौरान आपको सिखाई थी, अतुल सर ने या किसी और टीचर ने, जिस भी आप माध्यम से आप सीख सकते हैं। चलेगा दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोजिशन ऑफ फियाजेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जल्दी, स्कीमा, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, या कॉन्टेक्टिंग, या एनरिचमेंट, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 55। 55 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ये मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों से, आप लोगों के सभी के आंसर सही आएंगे, ऐसा मैं मान रहा हूं और ऐसा मुझे लग रहा है। आप लोग सभी बुद्धिजीवी प्राणी हैं, आप लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग करोगे, उस बुद्धि का प्रयोग करोगे जिसे अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि में सबसे पहले परीक्षण किया था। देखिए दोस्तों, जब बात करते हैं जिन प्याजे के बारे में, प्याजे की थ्योरी को हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, सॉरी डिस्कस पहले नहीं कर चुके, अभी करने हैं बाद में।
समझने का प्रयास करें। देखिए स्कीमा उन्होंने बात की, स्कीमा क्या होता है, स्कीमा की बात उन्होंने की है तो स्कीमा क्या होता है इस बात को भी समझने का प्रयास करें। स्कीमा होता है दोस्तों जब आप किसी चीज़ को देखकर अपने माइंड में पिक्चर बना लेते हो, या एक पूर्व ज्ञान आपके माइंड में पहले से ज्ञान है जिसको देखकर आप किसी चीज़ को देखकर हाँ यार वो तो ये तो वे है वो है, लेकिन कभी कभी गलत स्कीमा लग जाता है और गलत स्कीमा लगने के कारण आप लोग गलत आंसर कर पाते हो। बात समझ रहे हो नहीं दोस्तों? कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने देखा कि ये पक्षी है, ये उड़ रहे हैं इस तरीके से, आप मान लो ये पक्षी उड़ रहा है लेकिन क्या हुआ, ज़्यादा बड़ा पक्षी उड़ गया, चलो कोई बात नहीं मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, आप इसको ऐसे मान के चल सकते हैं। ये आपने देखा कि इस प्रकार की जो चीज़ होती है वो क्या होती है, वो या तो मछली आप देख सकते हो, मछली डॉल्फिन वगैरह भी होती हैं, या ऐसे मान सकते हो कि ये एक एरोप्लेन भी हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों? एरोप्लेन हो सकता है। लेकिन जैसे ही कुछ आपने एक ऐसा पक्षी उड़ते देखा और आपने कहा यार ये तो एरोप्लेन जा रहा है, लेकिन आपको उस बारे में ज्ञान है नहीं, आपका स्कीमा गलत काम करा, आप क्या करेंगे उसको नया कुछ सीखने के लिए क्या क्या बात देखी जाएंगी ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपका जिन प्यांजे के सिद्धांत के अंतर्गत। दोस्तों स्कीमा की बात की है, स्कीमा क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में पहले से ध्यान रखना। इन अ लैंग्वेज क्रिएटिव आंसर्स रिक्वायर्स, लैंग्वेज क्रिएटिव आंसर्स किस बात की रिक्वायर करता है, किस बात की जरूरत महसूस करता है, डायरेक्ट टीचिंग या डायरेक्ट क्वेश्चंस, कंटेंट बेस्ड क्वेश्चंस या ओपन एंडेड क्वेश्चंस, या हाईली डिसिप्लिन क्लासरूम। बताइए जल्दी क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 56। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यही बात मैं आपसे पूछने जा रहा हूं जल्दी दोस्तों, दीजिएगा आंसर क्या होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया से आप लोग आंसर कर पा रहे हैं, कुछ लोगों के आंसर सही आ रहे हैं, कुछ लोग गलत भी कर पा रहे हैं। जल्दी चलिए दोस्तों चलते हैं इसके राइट आंसर की ओर। मेरे अनुसार राइट आंसर होना चाहिए ओपन एंडेड क्वेश्चंस। क्यों? जब अगर किसी बच्चे को आप क्रिएटिव देखना चाहते हैं, एक अच्छी क्रिएटिविटी उसके अंदर पैदा करना चाहते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछने चाहिए जिससे कि बच्चा हाँ या ना में जवाब ना देकर वो उसकी थ्योरी बताए, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट बताए, उसके पीछे की जानकारी आप तक पहुँचाए। और ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो डब्ल्यू एच टाइप भी कहलाते हैं, क्वेश्चन वर्ड टाइप कहलाते हैं और ओपन एंडेड क्वेश्चन कहलाते हैं। ठीक दोस्तों चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, लैंग्वेज स्किल्स आर बेस्ट लर्न्ड, यानी जो लैंग्वेज स्किल है वो किसके द्वारा बेस्ट तरीके से पढ़ाई जाती हैं, व्हेन दे आर इंट्रोड्यूस्ड इन आइसोलेशन वन स्किल एट अ टाइम, या ओनली थ्रू रिटन टेस्ट एंड असाइनमेंट इफ दे आर टॉट इन एन इंटीग्रेटेड मैनर विद द हेल्प ऑफ चैलेंजिंग एंड मैकेनिज्म लैंग्वेज ड्रिल। बताइए जल्दी जल्दी आंसर दें, अच्छा क्वेश्चन पढ़ रहे हो जल्दी से। चले दोस्तों चलते इसके राइट आंसर की ओर, चूंकि समय को बहुत कम ले रहा हूं मैं। राइट आंसर है हमारा इसमें, कौन सा राइट आंसर होगा हमारा, राइट आंसर है इफ दे आर टॉट इन इंटीग्रेटेड मैनर। अब आप में से कुछ स्टूडेंट जो हमसे पहली बार पढ़ रहे हैं, जिन लोगों को मैंने इंटीग्रेटेड मैनर के बारे में नहीं बताया है उनको जानकारी दे दूं, इंटीग्रेटेड मैनर का मतलब होता है जब आप चित्रात्मक तरीके से, विजुअलाइजेशन तरीके से और डायग्रामिक तरीके से आप लोग पढ़ाते हो। जैसे मैंने ये एरो यहां से करके यहां तक पहुंचा दिया, तो एक चित्र बन गया आपके माइंड में, एक पिक्चर क्रिएट हो गया आपके माइंड में। मैं आपको कोई चीज़ समझाता हूँ, उसकी मैंने आपको पिक्चर दिखा दी, तो वो होता है इंटीग्रेटेड मैनर, कोई चीज़ दर्शा कर आपको दिखाना। तो यही इसका राइट आंसर होगा। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, द मैन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ लैंग्वेज टीचर्स एज ए फैसिलिटेटर इज, जो क्या है फैसिलिटेटर के रूप में क्या है, टू रीड द लेसन्स अलाउड एंड प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन फॉर ईच लाइन, या टू क्रिएट अ नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर लर्नर्स टू यूज द लैंग्वेज मीनिंगफुली, या टू प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड मेक द लर्नर्स लिसनिंग टू इट, या कह सकते हैं टू स्ट्रिक्टली कंट्रोल द क्लास एंड कवर द सिलेबस इन द क्विक टाइम। दोस्तों बताइए जल्दी क्या होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों अगर क्वेश्चन के आंसर और क्वेश्चन आपको क्वेश्चन सीरीज पसंद आ रही है तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर को कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। कितनी कंजूसी क्यों दिखाते हो भाई, आपको इतनी सारी चीज़ें, इतने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन और इतने बेहतर तरीके से आपको प्रेजेंट किए जा रहे हैं आपके सामने विदाउट एनी कॉस्ट। वी आर नॉट टेकिंग एनी कॉस्ट फॉर दिस फैसिलिटी, इस सुविधा के लिए आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा है। आपको फ्री PDF, फ्री लेक्चर एंड फ्री वीडियो सॉल्यूशन एंड फ्री सब कुछ जो आपके लिए बेहतर हो सकता है वो आपको दिया जा रहा है। तो क्यों क्यों नहीं करते हो आप हमारी वीडियो को लाइक, लाइक जरूर करते रहेगा दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आ रही हो
चलते हैं दोस्तों राइट आंसर की ओर। राइट आंसर है हमारा क्रिएट नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द लर्नर्स टू यूज द लैंग्वेज मीनिंगफुली। दोस्तों मैंने आपको बताया था डू एंड डोंट का फंडा, यानी आप नो थिंकिंग सीधा आंसर वाला कॉन्सेप्ट आप लोग कर सकते हैं। जब बात करते हैं हम अपॉर्चुनिटी की, तो अपॉर्चुनिटी जब पॉजिटिव कीवर्ड, यानी अपॉर्चुनिटी की जब बात करते हैं तो वो एक पॉजिटिव कीवर्ड होता है, और यही आंसर हमारा करेक्ट हो जाता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं, जो कि हमारा 59 क्वेश्चन सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन सीरीज को यहीं समाप्त करने वाले हैं। जल्दी जल्दी बताएं, विच इज नॉट अ टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शंस, कौन से अध्यापक केंद्रित सूचनाएं नहीं हैं, ये आपको आंसर देना है। जल्दी लेक्चर इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शंस, डेमोन्स्ट्रेशन या मॉडलिंग, बताइए क्या होगा इसका, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 59। जल्दी से आंसर दें, आप लोगों के क्वेश्चन के आंसर का इंतजार मुझे बेसब्री से है। आई एम वेटिंग योर राइट आंसर विद क्यूरियसिटी। चले दोस्तों चलते हैं राइट आंसर की ओर। डेमोन्स्ट्रेशन की बात नहीं होती है किसके अंतर्गत, जब हम बात करते हैं सेंटर टीचर सेंटर की बात, तो डेमोन्स्ट्रेशन की बात नहीं करनी आपको, ये गलत बात है। चलेगा दोस्तों लास्ट क्वेश्चन इज डिस्प्लेड ऑन योर डिस्प्ले, जल्दी बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। जल्दी कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ थ्योरी वेयर ऑन स्टूडेंट ऑन द एक्सपीरियंस कंस्ट्रक्ट देयर ओवर लर्निंग एड्स थेरेपी गेनिंग हैंड्स या स्टडी अ वैरायटी ऑफ डिसिमिलर सैंपल्स एंड ड्रॉ अ वेल फाउंडेड कंक्लूजन्स या आर फैसिलिटेटेड बाय द टीचर टू यूज अ वैरायटी ऑफ मीडिया टू रिसर्च एंड क्रिएट देयर ओवन थियोरीज। नंबर फोर पर क्या कह रहा है, फॉर्म देयर ओवन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू एक्सपीरियंसिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑफ द एक्सपीरियंस। जल्दी से बताया क्या होगा इसका राइट आंसर, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फोर। जल्दी देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और आप लोग आंसर बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए दोस्तों चलते हैं हमारे राइट आंसर की ओर। राइट आंसर है हमारा नंबर फोर्थ, फॉर्म देयर ओवन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार की नॉलेज को प्राप्त करना थ्रू एक्सपीरियंस अनुभव के माध्यम से एंड रिफ्लेक्टिंग, और उसका रिफ्लेक्ट करके जो ज्ञान आपके पास है दोज एक्सपीरियंस, समझ पा रहे हो ना। तो ये इसका राइट आंसर था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको 20 क्वेश्चंस की सीरीज बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। बार बार मैं आपके साथ ये डिस्कस करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इतना छोटा सा काम आप लोग बिना कर पाए तो कहीं ना कहीं क्या आप लोग हमें दे पाएंगे गुरुदक्षिणा के रूप में। तो दोस्तों हमारे इस लाइव सेशन में आपको कैसा लगा जल्दी से कमेंट में करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लाइव सेशन, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे इसके लिए मेरे ओर से बहुत 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 धन्यवाद, तहे दिल से शुभकामनाएं आप सभी लोगों के लिए। आप लोग ऐसे जुड़े रहें, हमारे साथ बने रहें, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और आप लोगों के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो एक बार फिर आपको कह जा रहा हूं, अपने आपका वो ज्ञान जो आपकी जिम्मेदारी है उनको याद दिला रहा हूं, वीडियो को लाइक जरूर करते रहें, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास आ सके, और वीडियो को शेयर जरूर कर दें दोस्तों। ठीक है, ये छोटा सा काम आप लोग करते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ और बने रहिए हमारे साथ वीडियो को अंत तक, और सारी वीडियो देखें, और भी जो CDP वगैरह की जो क्लासेस वगैरह चलती हैं सभी को देखें। हमारे साथ जुड़ने का मजा आपका कैसा रहा, कैसा हमारे साथ जुड़ने का अनुभव रहा, लिखकर भेजें ऑफलाइन मोड पर वीडियो जाने के बाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लाइव सेशन, खुदा हाफिज, टेक केयर, बाय बाय, जय भीम, जय भारत, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।